डर स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेसन के साथ बॉडी मूमेंट्स जो सिक्स क्लास साइंस सब्जेक्ट से ली गई है तो आज हम बात करेंगे गे गेट्स ऑफ एनिमल्स की तो वो जो गेट है इसका मतलब है ए पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग और मोमेंट जैसे कि आप जानते हैं दैट सम एनिमल्स डो नॉट है बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी हड्डियाँ नहीं होती हैं देव मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी तो उनके मसल्स होते हैं जो उनके बॉडी को एक्सटेंड करते हैं जब वो स्ट्रेच करते हैं या शॉर्टन करते हैं एंड जूरिंग मूवमेंट एनिमल्स फर्स्ट एक्सटेंड इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रेयर पोजिशन फिक्सड टू द ग्राउंड और ऐसे एनिमल्स जब मूवमेंट करते हैं तो वो अपने जो फ्रंट फ्रंटल बॉडी पार्ट होता है फ्रंटल पोर्शन होता है उसको एक्सटेंड करते हैं और जो बैक पोर्शन होता है उसको फिक्सड रखते हैं ग्राउंड के साथ आफ्टर दैट एनिमल फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड तो इसी तरह जब जो आगे स्ट्रेच करके एक्सटेंड करके फिर फ्रंट पोर्शन जो है उसको फिक्स करता है और रेयर एंड को वो खींचता है तो इस तरह से इन एनिमल्स की मूवमेंट होती है ना एनिमल्स शॉट इन द बॉडी एंड पुल इज़ द रेयर एंड फॉरवर्ड ज्यूरिंग दिस प्रैक्टिस एनिमल मूव फारवर्ड बाई स्मॉल डिस्टेंस तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस ये तय करते हैं ऐसी एनिमल्स की मूवमेंट है सो वी कैन से देट द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूमेंट ऑफ एनिमल्स ड्यू टू द डिफरेंस इन दियर स्कैल्टल स्ट्रक्चर और कॉल गेट्स ऑफ एनिमल्स तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट है एनिमल्ज में डिफरेंट एनिमल्स में इस वजह से कि इनका सिकेल्टल सिकेल्टल स्क्र, 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 स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है तो इसी को हम गेट ऑफ एनिमल कहते हैं है। तो यहाँ पर हम कुछ एनिमल्स की एग्ज़ाम्पल लेंगे फॉर एग्जाम्पल अर्थ वर्म तो अर्थ वर्म जो है इट डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्कैल्टन आपने देखी होगी सभी ने देखी होगी कि इसका जो इंटरनल स्कैल्टल सिस्टम होता है या स्केल्टन इसकी हड्डियाँ नहीं होती है इन्हें हषरातलअर्ज भी कहते हैं द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइन एड एंड टू एंड एज मसल अटैचड टू दीज रिंग्स एंड हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी तो उसकी इनकी आ, अर्थ वर्म की बॉडी जब आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे रिंग्स जुड़े हुए हैं एंड टू एंड और उनमें मसल्स भी अटैच है और इतनी इन रिंग्स को एक्सटेंड करके या शॉर्टन करके ये आ, वर्म जो है मोमेंट करता है

ये अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटेंशन देता है तो इससे जो है इसकी सॉयल पर मूवमेंट हो जाती है द सेकेंड वन इज स्नेल स्नेल तो आपने बहुत देखी होंगी उसकी मूवमेंट भी बहुत स्लो होती है स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ दियर मस्कुलर फ्लैट फुट तो इनके मस्कुलर फुट होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं दे ग्लाइड अलॉन्ग ए सॉलिड सरफेस विच इज़ लिबरकेटेड विद म्यूकस तो ये फिसलते हैं सॉलिड सरफेस पर और आपने देखा होगा अगर कहीं देखा होगा आपने तो उस पर वहाँ पर म्यूकस म्यूकस भी लगा होता है तो म्यूकस पर भी वो आ, आ, स्लाइड करते हैं दिस मोशन इज़ पावर्ड बाई सक्सीडिंग वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ़ द फुट तो ये मोशन जो है ये आ, इसको आ, ताकत मिलती है जो सक्सीडिंग वेव्स होते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शनज़ होते हैं तो उसी की वजह से वो फुट की कंटिन्यूस मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन करता है तो उससे इसकी मूवमेंट हो जाती है इसके बाद है कॉकरोच जिसे हम तलचटा भी कहते हैं द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज़ कवर्ड विद ए हॉर आउटर स्केल्टन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉय टुगेदर इस कॉकरोच की बॉडी जो है ये कवर्ड होती है हॉर्ड स्केल्टन से आउटर हॉट स्केल्टन एंड इट हैज़ थ्री पियर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैचड टू द ब्रेस्ट फॉर फ्लाइंग तो इसके थ्री फेयर ऑफ चलने के लिए थ्री फेयर ऑफ लेग्स होते हैं और उसके विंग्स भी अटैचड होते हैं कभी कभी फ्लाई करने के लिए इट हैज़ डिस्टिंग मसल दैट आर यूज फॉर मूवमेंट तो उसके मूवमेंट के लिए डिस्टिक्ट मसलस होते हैं जिनसे ये मूवमेंट करता है द मसल अटैचड टू द लेग्स हेल्प इन वॉकिंग जो लेग्स की मसल्स होती है वो चलने में मदद करती है एंड द ब्रेस्ट मसल अटैचड टू दिंगस हेल्प इन फ्लाइंग ऑल दो दे आर नॉट गुड फ्लायर्स और जो ब्रेस्ट्स के साथ इसके अटैचड विंग्स होते हैं उनकी मदद से ये फ्लाई करते हैं लेकिन ये ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते तो उसके बाद जो है दैट इज फिश जो वाटर एनिमल है फिश हैव स्ट्रीम लाइनड बॉडी दैट हेल्प देम स्विम विद लीस्ट रेजिस्टेंस तो इनकी स्ट्रीम लाइनड बॉडी होती है जिस जिसमें पानी के जो है फ्रिक्शन uh, कम से कम हो दे यूज़ टेल फिन फॉर स्मॉल जेक्स थ्रू वाटर एंड अदर फिन स्विमिंग तो इनके जो टेल फिन होती है उसी से अपने मूवमेंट uh, करते हैं डायरेक्शन चेंज करते हैं या वाटर के जो स्मॉल जेक्स होते हैं और अदर फिन जो उनके बॉडी के अपर पार्ट पे होती है द टेल फिन इज़ ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन और टेल फिन की मदद से ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वाटर में मूवमेंट के दौरान तो उसके बाद स्नैक्स हैं तो स्नैक्स आपको मालूम है रिंगने वाले जानवर हैं सांप स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स फॉर मूवमेंट बट यूज़ देयर लॉन्ग बैक बोन अलॉन्ग विद मसल्स फॉर मूवमेंट तो इनकी लेग्स नहीं होती है तो ये अपने लॉन्ग बैक बोन जो उनका होता है उसके साथ मसल मूवमेंट uh, के लिए यूज़ करते हैं देयर आर बॉडी कर्वज इंट मैनी लूप्स और इनकी बॉडी जो है लूप्स बनाती है मूवमेंट के दौरान कर्व्स बनाते हैं विच गिव्स इट फॉरवर्ड पुश मे प्रेसिंग अगेंस्ट ग्राउंड और जब वे ग्राउंड के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रेस करते हैं तो इससे इनकी मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है ऐसे मूव करते हैं ये सो डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज अबाउट द गेट ऑफ एनिमल्स आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन Thanks for watching.